हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? हम भी बिल्कुल बढ़िया है। ये देखिए, लगे हैं बनाना खाने क्योंकि इसने रोटी नहीं खाई। हमें जाना है थोड़ी दूर आज, तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़ा सारा कुछ। टाइम 11 बज गए हैं, अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि धूप बहुत है। सो जानने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। तो चलिए पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले, फिर रुपए की सीधा ऊना जाके, क्योंकि विशाल और भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, घर से निकलते समय हमने 50 रुपए का तेल डलवाया था और हम यहाँ पे हिमाचल में डलवा रहे हैं अब 280 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है पंजाब से, 6 या फिर 7 रुपए सस्ता है यहाँ पे। तो गाइस, सारे बंदे आ गए हैं। विशाल भी आ गया, भैया भी आ गए हैं, ये भी आ गया है, ये तो साथ ही था मेरे। तो आज हम जा रहे हैं सदाशिव मंदिर। पिछली बार गए थे महादेव और अब जा रहे हैं सदाशिव। भूख लग गई रास्ते में खड़ गए खाने। कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर बस, फिर तो नज़दीक ही है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब। ओ, जंप आ गया। सो गाइस, जहाँ हम जा रहे हैं मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ। हम बस उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। वो देखिए, वो जा रहे हैं आगे, वो जा रहे हैं आगे हमारे गाइड, और हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। गाइस देखिए, व्यू देखिए, रास्ता देखिए, क्या मस्त रास्ता आ गया है। और धूप फिर से हो गई है, वाह। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुके थे, हमें व्यू अच्छा लगा यहाँ पे। ये देखिए पीछे पहाड़ मेरे, कितना अच्छा लग रहा है। और इधर सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। सिनेमैटिक देखिए आप। गाइस आप रोड देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। साथ में पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, और घास बिल्कुल हरी हरी हो रखी है बारिश की वजह से। तो गाइस एक बार आप नीचे का व्यू देखिए। मौसम तो यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है। सामने देखिए, मतलब बारिश, जैसे कि वहाँ पे बारिश पड़ रही हो ऐसा सामने व्यू आ रहा है। वहाँ पे पड़ रही होगी, पड़ रही होगी, वहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए सामने, और मतलब इधर भी बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बारिश पड़ने वाली है। बट फटाफट निकल पड़ते हैं यहाँ से, वहाँ मंदिर में पहुँच जाते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं हमें। रील्स भी बनानी है इंस्टाग्राम के लिए। रील्स भी बना लेंगे, पहले मंदिर में पहुँच जाएँ फटाफट, ये तो बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ये देखिए गाइस मोड़, ये देखिए गाइस यहाँ पे गिरने का खतरा है। ये जो रोड है, ये वाला जो, यहाँ पे गिर सकते हैं हम। और बीच में ना रास्ते में, मतलब ऊपर चट्टानों से ना रेता नीचे आता है और बीच सड़क में जम जाता है, वहाँ पे हम गिरने से बचे 2 बार, बहुत बुरे गिरना था हमने। तो गाइस लोगों ने फैंसे छोड़ रखी हैं चढ़ने के लिए। थोड़ी दूर आने के बाद हमें यहाँ पे घर मिले। बाकी पिछला रास्ता सारा पहाड़ी रास्ता था, यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो गांव आ गया है। नाम क्या है गांव का? जोड़। तो हमारी तरफ भी है एक जोड़ गांव, जोड़ा उसका नाम, वैसे पूरा नाम उसका जोहल है। अच्छा, जोला नहीं कहते उसे। ये देखिए भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे गाइस। तो भाई साहब ने रोका है यहाँ पे, भंडारा लगा रखा है भाई। अच्छा घर के, हाँ जी हाँ जी।
ये आ गए वापस जाने। ये आए वापस, पहले नहीं रुके, ये पहले नहीं रुके, ये हमें देख के रुक गए। ये खा लीजिए, खा लो यार, मैं खा के आया अभी, मेरे खा लो, एक का थोड़ा थोड़ा खा रहे हो। मैं तो ले लूंगा ही ना। ये देखिए, पहले रुके नहीं थे, अब देखिए और ले रहे हैं। ये गाइस मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं इसलिए खा रहा हूँ। तो वो साथ वाला पहले तो रुका नहीं, वो अब बोल रहा है और आने दे, और आने दे। मैं इसको कंपनी देने के लिए रुका कि इसको शर्म, मैं दे रहा हूँ ना कंपनी यहाँ पे। नहीं आ रही, खत्म हो गई मेरी टेस्टी। तो गाइस बारिश लग चुकी है, बारिश नहीं पहले लंगर का बता। तो गाइस जो मैंने सुबह से खाना नहीं खाया तो वो पूरा हो गया यहाँ पे। तो गाइस तीन चार खाए। चुप हो जाए यार, नहीं होंगे। नहीं, जो बोल गांव था ना, उन्होंने वहाँ के लोग हो गए थे, अबे छोड़ मत इसे। वहाँ के लोगों ने लंगर लगाया था आलू पूरी का, बहुत ही टेस्टी लंगर था भाई। अगर आप लोग देख रहे हो तो थैंक यू, बहुत मजा आप लोग, बहुत टेस्टी लंगर था। अभी बारिश तेज हो रही है, गौरव की भूख भी मिट गई उससे, और अभी बारिश लग गई है, तेज भी हो रही है, धीरे जा रहे हैं। चलिए गाइस अब करते हैं कैमरे को बंद, क्योंकि हमारा वाटरप्रूफ फोन नहीं है। पकड़ फोन, पकड़ फोन, बाय 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 भाई, टाइटैनिक वाला बोल। तो गाइज आप देख सकते हो हम भीग गए हैं, पीछे बारिश थी, ये देखिए कपड़े भी गीले हो गए। अभी हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे बारिश ख़त्म है, आगे बिल्कुल रोड साफ़ है, और ये देखिए यहाँ तक थी बारिश, इससे आगे आगे जहाँ से हम आए, और ये देखिए आगे दिखाते हैं आपको, सारा साफ पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे कोई बारिश नहीं है, हम आगे जा रहे हैं, बिल्कुल साफ़ है, कुदरत के करिश्मे। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के नीचे हैं, काफ़ी नीचे हैं, ये है पैदल रास्ता, ये देखिए लिखा है शिव मंदिर के लिए पैदल रास्ता, लेकिन हम पैदल नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, आगे से जाएंगे। वैसे अगर यहाँ से जाते तो भी मज़ा आना था, लेकिन वो आगे निकल गए हैं, हम आगे चलते हैं, फिर कभी देखेंगे पैदल आगे भी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी बारिश हुई है, बस बीच में थोड़ा सा टुकड़ा था जहाँ पे बारिश नहीं हुई, बाकी आगे भी और पीछे भी दोनों जगह बारिश हुई है। वो देखो ऊपर मंदिर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, ये भी पैदल रास्ता है, और ये मिट्टी वाला रास्ता है, गिरने वाला रास्ता है ये, पर थोड़ा सा ही है, इसके नीचे सड़क है। वैसे दिखाओ मंदिर में, वो देखो, वो देखिए बीच में पेड़ आ रहे हैं, इसलिए आप नहीं देख पा रहे, लेकिन अब देखिएगा, ये देखिए भोले बाबा कहाँ बैठे हैं इतनी ऊंचाई पे जाके। तो अभी हम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं, ये देखिए काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, क्योंकि आज संडे है, हम भी तभी आए हैं क्योंकि आज संडे है। चलिए पार्किंग में पहले अपनी हायाबूजा पार कर देते हैं। सच्ची में यार कुछ ज़्यादा ही लोग आए हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा था कि इतने नहीं आते होंगे यहाँ पे। ओह वाह, सामने देखो, हटो नीचे जाना। हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है यहाँ पे, और आप ये देखिए सामने व्यू, यहाँ पे भी फोटो वैसे मस्त आएगी। सेटिंग
सेटिंग है नहीं, करवा दो कोई। मंदिर के दर्शन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।